कानपुर देहात अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कानपुर देहात पहुंचे, जो यूपी के प्रभारी भी हैं। आपका प्रतिनिधि मंडल भी मड़ौली गांव पहुंचा, पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, घटनाक्रम की जानकारी ली। कानपुर अग्निकांड पर सियासत जारी है, पीड़ित परिवार से संजय सिंह ने मुलाकात की है। आप नेता संजय सिंह ने निशाना साधा, कहा घटना दिल दहला देने वाली है तालिबान में, ऐसी घटनाएं दिखती है, मामले की सीबीआई जांच हो, डीएम पर कार्रवाई की जाए, ये तमाम मांग संजय सिंह ने की है। कल भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मिलने पहुंचा था, ब्राह्मण संगठन भी पहुंचे थे, और आज आम आदमी पार्टी के सांसद, उत्तर प्रदेश के आम आदमी पार्टी के प्रभारी संजय सिंह पीड़ित परिवार से मिलने कानपुर देहात पहुंचे। गांव में उन्होंने मुलाकात की, कई सारी मांगे सरकार के सामने रखी हैं, सीबीआई जांच की मांग की है, डीएम पर एक्शन की मांग की है, कहा ऐसी घटनाएं तालिबान में हुआ करती थी। तो कल भी समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मिलने पहुंचा था, मनोज पांडे उचहार के जो विधायक हैं उनके साथ समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी और नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी कल मुलाकात की थी। कानपुर देहात के अग्निकांड में मड़ौली कांड में मां बेटी की जलकर मौत होने के मामले में यूपी सरकार की ओर से गठित एसआईटी की टीम ने मड़ौली पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया है। डीएम पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात भी मौजूद रहे। एसआईटी के अधिकारियों के साथ मंडल आयुक्त ने परिजनों से मुलाकात की है। टीम के अधिकारियों ने वीडियोग्राफी कराते हुए पूरे परिवार और गवाहों को इकट्ठा कर घटनास्थल के पास ही बैठा कर सवाल किए। घटनास्थल के आसपास के ग्रामीणों से भी पूछताछ की। लखनऊ में सीएम आवास के बाहर बम की खबर अफवाह निकली है। बता दें कि दिल्ली